दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग पर। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दरगाह आला हजरत की ज़ियारत कराएंगे और दिखाएंगे कि दरगाह आला हजरत पर कैसी सजावट हुई है। वैसे तो हर साल दरगाह आला हजरत पर उर्स रजबी के मौके पर बहुत ही बेहतरीन सजावट होती है, लेकिन इस साल बरसात के कारण बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत सजावट हुई है। हम आपको दिखाते हैं सब कुछ, आप ब्लॉग में आखिर तक बने रहें। राम रहमत रजा उसका रखा गया, आला हजरत जमाने का वो बन गया, आला हजरत जमाने का वो बन गया, इल्म हिकमत का खजाना। दोस्तों यह है गुम्बद रजा जो सुन्नियों की पहचान बना हुआ है। इस पर देखिए क्या ही खूबसूरत सजावट हुई है। दोस्तों जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का कुलामी इंटर कॉलेज में होना था, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया, वो दरगाह आला हजरत पे हुआ। समझ लो कल दोपहर से लेकर रात में लगभग 10 बजे तक लगातार बारिश हुई है बरेली शरीफ के अंदर। जिसने बचपन में फतवा दिया है वो बरेली का अहमद रजा है, वो बरेली का अहमद रजा है, बोलो वो बरेली का अहमद रजा है। जब वो पैदा हुआ नूरी साए तले तो वादिए नजद में आ गए जलजले, जब वो पैदा हुआ नूरी साए तले वादिए नजद में आ गए जलजले, कैसे उसकी फजीलत का सूरज ढले, कैसे उसकी फजीलत का सूरज ढले, जिसकी अजमत का सिक्का अरब में चले, जिसकी अजमत का सिक्का अरब में चले, जिसका खाए उसका गाए, जिसका खाए उसका गाए, उसका नारा हम लगाए, जिसका खाए उसका गाए, उसका नारा हम लगाए, जिसका नारा अरब में लगा है वो बरेली का अहमद रजा है, बोलो वो बरेली का अहमद रजा है, जिसका खाए उसका गाए, उसका नारा हम लगाए, जिसका नारा अरब में लगा है वो। जब रजा खां को बेअत की ख्वाहिश हुई, पहुंचे मारे रवो उम्र बाईस की थी, जब रजा खां को बेअत की ख्वाहिश हुई।